रहेगा। और आज संडे है ना, तो संडे के दिन देर हमेशा हो ही जाती है, तो ऐसे ही हमारा भी है। हमारा तो रोज ही देर हो जाती है, चाहे काम कितना भी हो पर देर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह कितने 8:30 बजे से, और गुड मॉर्निंग। और दीदी बना रही है यहाँ पे चाय, तो हमने पी ली है। और अब दीदी बनाने जा रही है आज चीला। किस चीज का चीला बना रहे हो आप दीदी? क्या जो पिज्जा नहीं है, क्या बोलते हैं इसके लिए? मूंग की दाल। मूंग की दाल का चीला खाएंगे हम आज नाश्ते में। आज है संडे, तो अभी दीदी तैयारी कर रही है इसको बनाने की। तो प्याज और अदरक तो काट दिया है, बाकी हमारे पास और सब्जियां कुछ है नहीं आजकल, तो आज लाएंगे हम। बाकी है नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। तो आप बने रहना, आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाती है दीदी मूंग की दाल का चीला। तो चलो, और बाकी बने रहना आप, जो जो होता रहेगा पूरे दिन भर में आपको दिखाती रहूंगी। मूंग की दाल ही हमने कल रात को भिगा दी थी, और बाकी इधर प्याज कटा हुआ है और अदरक, और इसमें दीदी पीसने लग गई है, इसको आधा डाल दिया है इसमें। और ये देखिए अभी इसमें पीसा जा रही है, और उसके बाद फटाफट से बनाएंगे और खाएंगे, है ना? वो दीदी को याद आता है, नहीं आता है। देखिए ऐसा गोल बना रखा है, अभी करछी में ऐसे लेंगे कैसे। और ये हमारा है नॉन स्टिक तवा, और ये रख दिया है। धोना पड़ेगा दीदी गंदा होगा, धोने की चीज़ है, साफ सुथरा रहता है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाएंगे इसमें नमक मिर्च। ये देखिए बनने वाला है बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा चीला। मैंने खाया नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि कब बनाया था आपने? आज तक तो बनाया नहीं, जब मैं नहीं थी तब बनाया होगा। तो अब गैस जला, तो नमक मिर्च और हल्दी मिला दी है दीदी ने। कहाँ जाना है? तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये तवा रेडी हमारा। अभी गैस तो मैंने लगा रखा है। दोस्तों वैसे इसको दीदी चीला बोल रही है, पर गढ़वाली में इसको लगड़ी बोलते हैं। लगड़ी हम मीठी बनाते हैं, दाल की बना रहे हैं, हम आटे की बनाते हैं, आटे का चीला भी बनाते हैं, हम उसको लगड़ी बोलते हैं। बेसन का चीला, तो आटे के चीले, इससे हाई प्रोटीन मिलेगा। मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल, इससे हाई प्रोटीन मिलेगा। साबुत खाए तो पिस गई है, तो बना तो उठी गई है ना। तो अभी दोस्तों टाइम 9:30 हो गया है, और दिन अभी तक हम काम शुरू कर देते थे झाड़ू पोछा, पर आज लेट हो गई, संडे के दिन हो ही जाता है। तो अभी दीदी तो बना के चली गई है ऊपर, और मैं बनाने लग गई हूँ अपने लिए। इसमें थोड़ा चटपटा वाला बेटर है, क्योंकि उसमें सासू जी नमक कम खाते हैं, तो दीदी ने पहले ही बना दिया था। और अब दीदी ने बोला कि तू बना ले, और मैं चलती हूँ थोड़ा नहा के आती हूँ, और उसके बाद करेंगे हम नाश्ता, क्योंकि यहाँ का काम तो मुझे बाद में ही करना होता है। इधर जब तक किचन साफ नहीं होता तब तक झाड़ू पोछा भी नहीं होता है। तो अभी मैं अपने लिए बना लेती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी, और उसकी के बाद होगा सारा काम। तो अभी देखिए बनाने लग गई मैं, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। दीदी तो बनाती रहती है, बट मैंने आज पहली बार ट्राई किया है। वैसे तो हम ना लकड़ी बनाते थे ऐसी गांव में आटे वाली, तो आटे की घोल की बनती है जो लकड़ी, तो यहाँ पर। तो अभी टाइम 12 बज गए हैं, और घर का सारा काम भी हो गया है, बाकी सासू जी अभी नहा रहे हैं। मैं तो नहा धो के एक किनारे हो गई हूँ, और बाकी अब दिन के खाने का भी जुगाड़ करूँगी। तो दिन के खाने में आज देखते हैं पुलाव बनाना है, बाकी दीदी और भैया तो गए हैं बाहर, तो वो तो वहीं से खा के आ जाएंगे। और हम तीनों ही हैं, मैं ये और सासू जी हैं,
तो ये भी सोए रहेंगे, अभी रात को ही उठेंगे और नाइट ड्यूटी है उनकी। तो देखती हूँ खाना बनाऊंगी थोड़ी देर में, और बाकी बने रहना आप, जो जो होता रहेगा। और आज संडे है ना, तो संडे के दिन देर हमेशा हो ही जाती है, तो ऐसे ही हमारा भी है। हमारा तो रोज़ ही देर हो जाती है, चाहे काम कितना भी हो, पर देर तो हो ही जाती है। सासू जी हमेशा ही लेट नहाते हैं, हम तो ज़रा जल्दी नहा भी जाते हैं, तो उनका हमेशा 12 बजे का ही, 12-1 बजे का ही टाइम होता है। तो अभी देखते हैं आगे जो जो होता रहेगा, बने रहना मेरे साथ। तो चलो, तो दोस्तों अभी मैं बनाने लग गई हूँ पुलाव। टाइम 1 बज गया है, तो बना ही लेती हूँ, फिर जाऊँगी सीधे छत पे, धूप लेट नहीं चली जाऊँगी फिर बाद में। तो अभी तो जा नहीं पाई मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, और फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो थोड़ी देर में जाऊँगी खा पी के, और फिर वहीं पड़ी होगी छत में, धूप से आराम से। अभी बात दिए थे मैंने चावल, और साथ ही दोस्तों मैं ना वहाँ तड़के साथ डालूँगी मैक्रोनी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पुलाव में। नहीं तो मेरा मटर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और साथ में मैं थोड़ा मैक्रोनी पास्ता ऐसी चीज़ें भी डाल देती हूँ, तो फिर खा लेती हूँ। इसीलिए मैं अभी वैसे सासू जी बहुत पसंद नहीं करते हैं, वो मटर ही पसंद करते हैं, पर मुझे ना मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो खाने पर नहीं क्या करें। और यहाँ पर ज़्यादातर ना पुलाव ही बनता है, यहाँ पर सब लोगों को पुलाव पसंद है, मुझे मेरे अलावा मुझे पुलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही ये देखो पास्ते का पैकेट भी निकाल रखा है, तो पास्ते ही डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा डाल दूंगी कम जैसा होता है। खाना खा पी के आ गई हूँ मैं ऊपर छत में, और थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। अभी टाइम 2 बज रहे हैं, तो 3-3.30 बजे तक धूप सेकूँगी, और उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो अभी यहाँ पे लगा देती हूँ मैं अपने लिए आसन, जो यहीं पे रहता हमारा ये दरी, तो उसको बिछाऊँगी थोड़ी देर यहाँ पे आराम से, धूप सेकूँगी। आज सुबह से 3 बज गए हैं, अब मिल रहा है मुझे टाइम, मतलब 2 बज गए हैं और अब मिला है मुझे ऊपर आने का टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है अंदर ही अंदर, बस बाकी कुछ है नहीं लाइफ में, बहुत ही बोरिंग लाइफ चल रही है। तो बस आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, बाय बाय।